खबर शामिल करते हैं जलालपुर से। जलालपुर पीरवाला में मारूफ दीनी रूहानी शख्सियत हजरत फतेह मोहम्मद कादरी के उर्स की तकरीब मुनक्किद की गई। उर्स में खसूसी खिताब जिगर गोशे गजाली जमान हजरत अलामिया प्रोफेसर सैयद मजहर सैयद काजमी ने किया। जलालपुर पीरवाला में मारूफ दीनी रूहानी शख्सियत पीर हजरत फतेह मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीब मुनक्किद की गई। उर्स की तकरीब में जिगर गोशे गजाली जमान हजरत अलामा प्रोफेसर सैयद मजहर सैयद काजमी ने खसूसी खिताब किया, जबकि मेंबर कौमी असेंबली और चेयरमैन वफाक इस्तेकाक कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उसमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि उसमें लंगर की भी वसी इंतजाम किए गए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं थरपारकर में दिल दहला देने वाला वाकया। चाचरों के करीब नौजवान तूलराम मेघवार तीन मासूम बेटों मदन लाल कुलदीप संजय समेत गुर्बत की वजह से कुएं में छलांग लगाकर जिंदगी की बाजी हार बैठे। इसी तरह के वाकये के जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान हैं, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 13 सालों से सिंध पर हुकूमत कर रही है। सिंध हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि हमने सिंध के निजाम को बेहतर बना दिया है, कि जहां सेहत तालीम गुर्बत खत्म कर दी है, लेकिन ये दावे ही दिखाई देते हैं।